अगर आपके भी चेहरे पे या फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं, या फिर पिंपल के धब्बे रह चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा सांवला फेस है, तो आप आपके फेस को कैसे गोरा कर सकते हो, कैसे पिंपल्स को रिमूव कर सकते हो। आज हम इस वीडियो में मेलास क्रीम का फुल रिव्यू करने वाले हैं, जो कि भाई बहुत ही बेहतरीन क्रीम है। बट इसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या इससे होगा, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप फेस को गोरा कर सकते हो, इसके क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो चेहरा है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इंप्रेशन के लिए, आपके लुक के लिए, आपके पर्सनैलिटी के लिए, और आपकी पूरी फैमिली पूरी जनरेशन के लिए। फेस सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि भाई आपका फेस कितना साफ है, उसका कलर कितना अच्छा है, और उसमें कोई दाग धब्बे तो नहीं है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है तो आपको लोग पूछेंगे, और अगर आपके फेस पर पिंपल्स हो गए, धब्बे हो गए, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा और आपको कोई भी लोग नहीं पूछेगा। ये मेरा ओपिनियन है और लोग ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने सब फेस कर रखा है। जब फेस पर पिंपल्स होते हैं उसके बाद से इंप्रेशन डाउन हो जाता है, लोग थोड़ी सी खुद पे शर्म आती है खुद को, यार भाई मेरा फेस कैसा हो रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं मेलास क्रीम लेके आया हूँ। ये जो क्रीम है ये बहुत बेहतरीन क्रीम है पिंपल्स को रिमूव करने के लिए, फेस को गोरा करने के लिए। मैं खुद इसका यूज़ करता हूँ, हफ्ते में एक बार यूज़ करता हूँ। बट आपको कैसे यूज़ करना चाहिए वो मैं आपको बताऊँ। अगर आपके पिंपल हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं, ये होती है मेलास क्रीम। इसके अंदर पूरा एक पर्चा निकल रहा है इसमें कि आपको सब पढ़ा हुआ, आप सब उसको पढ़ के कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम पे यूज़ करना है, कितने टेम्परेचर में रखना है। तो पर्चा छोड़ के मैं आपको पर्सनल बताने वाला हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये जो क्रीम है, सबसे पहले आपको इसको बीच से दबा के पुश नहीं करना है, इसको साइड से दबा के इसको निकालना, ताकि इसमें जब हवा भर जाती है ना, फिर ये क्रीम काली पड़ने लग जाती है, यानी ख़राब होने लग जाती है। इसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। अब बात करते हैं इसको यूज़ करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आप आपके फेस को वॉश करें, जो भी आपके पानी है, सॉप है, शैम्पू, जो भी आप यूज़ करते हो फेस वॉश करने के लिए, उससे आप आपके फेस को वॉश कर लें। उसके बाद सूर्य कपड़े से साफ कर लें। फिर आपको ये जो क्रीम है इसको लेना है, और कम से कम इतनी क्रीम लेना है, और आपके जहाँ पर पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं वहाँ पे इसको लगा के थोड़ी, अगर आपके पास फैन है तो फैन की हवा में चले जाए, कूलर है कूलर की हवा में चले जाए, या फिर बाहर खुली हवा में चले जाए, जिससे कि ये तुरंत सूख जाएगी। जैसे ये सूख जाए इसको आप लगा के सो जाए, यानी सूखी क्रीम को आप लगा के सो जाए। आपने क्रीम तो लगा ली और हवा से सूख भी गई, फिर आप आके सो जाए। इसको ओनली नाइट में ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप डे में यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे, यानी कहीं ना कहीं सनलाइट से आपका फेस रेड हो जाएगा, साइड इफेक्ट वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिर ये क्या होगा, आपने जैसे कि आज इसका यूज़ किया, इसका नाम है मेलास अल्पा क्रीम। मेलास अल्पा क्रीम आती है, मेलास ADB क्रीम आती है। तो आपको ADB यूज़ नहीं करना, अल्पा क्रीम यूज़ करना है। तो मेलास अल्पा क्रीम जो है वो आपको कम से कम 100 रुपये से ऊपर आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इससे आपको कैसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि आज आपने इसका यूज़ किया, सुबह उठते ही आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लें, या फिर जो भी शैम्पू सॉप फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, या फिर आप नहा सकते हैं तो आप नहा लें। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइज क्रीम यूज़ करते हो आपके फेस पे, वो आप लगा के कहीं पर भी घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक दो या एक हफ्ते बाद, एक दो दिन या एक हफ्ते बाद आपकी अगर स्किन इससे निकल गई तो इसका मतलब ये आपको फ़ायदा कर रही है। आपकी स्किन ऐसे निकलेगी जैसे कि आपने दूध देखा है, उसके ऊपर जो पपटी रहती है वो उस टाइप की, आपकी पूरी जो गंदी गंदी स्किन है जिसमें कि पिंपल्स हैं, डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, या पिंपल्स के धब्बे हैं, गड्ढे भी हैं, तो वो ये पूरे निकाल देगी। इसके बाद आपके अंदर फ्रेश स्किन आएगी, यानी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, गोरी और पिंपल फ्री स्किन आपकी आएगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया, समझ जाना कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है मेलास क्रीम से। तो अगर आपकी स्किन निकल गई तो आप उसको निकाल लें, या फिर ऑटोमेटिक उसको कंटिन्यू लगा लेने दें। 4-5 दिन में वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी आपका फेस। जैसे आप नहाओगे, फेस वॉश करोगे, तो 3-4 दिन में वो कंटिन्यू निकलती रहेगी। लेकिन अगर आपकी स्किन नहीं निकली, तभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू यूज़ करें। पहले आपको हर दिन यूज़ करना है। जब आपको उसके साइड इफेक्ट देखने को मिल जाए कि भाई आप ये नुकसान करें, नुकसान नहीं करती, ये अपना काम करना चालू कर देती है, या तो आपकी स्किन निकालती है, या फिर जो आपके पिंपल्स है उसके अंदर की कील निकालती है, तो आप सोच सकते हैं कहीं ना कहीं ये अपना काम करती है, लेकिन लोगों को लगता है ये साइड इफेक्ट कर रही है। तो अगर आपको ऐसा देखने के लगे कि यार मेरी स्किन रेड हो रही है, तो आप इसको एक दिन छोड़ के आप लगाना चालू कर दे, या फिर आपको इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो आप हफ्ते में एक बार लगाना चालू कर दे। जब आपका पूरा फेस पिंपल फ्री हो जाए, या फिर आपका ये फेस गोरा हो जाए, तो आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, जो कि मैं खुद यूज़ करता हूँ। आप मेरा फेस देख रहे हो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत गंदा फेस था मेरा भी, पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, और आपकी जो स्किन है वो काफ़ी अच्छी फेयर कर देती है और कहीं के पिंपल फ्री भी कर देती है। तो ये जो क्रीम है वो आप बोल सकते हैं चमड़ी निकाल देती है। तो इसके बहुत ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अगर आप पर ये सूट नहीं की तो आपको साइड इफेक्ट झेलने पड़ेंगे, और जैसे ही आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट हो आप इसको लगाना तुरंत बंद कर सकते हैं। बट भाई फेस को गोरा करने के लिए, पिंपल्स को रिमूव करने के लिए 100 रुपये में इससे अच्छी क्रीम ना तो है और ना बनेगी। आगे बन जाए आप वो कह नहीं सकते, बट अभी फिलहाल कंडीशन में नंबर वन पे ये क्रीम है। बट नुकसान में भी नंबर वन पे ही है, क्योंकि अगर इसके नुकसान हो जाते हैं तो फिर आपको नुकसान बहुत ख़तरनाक देखने को मिलते हैं। इस बात तो मैं आपको एक और बात ऐड कर दूँ कि आप जो क्रीम यूज़ कर रहे हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप, अगर ये क्रीम आप यूज़ कर रहे हो तो धूप में जाने से बचे। जैसे ही आप धूप में चले जाओगे वैसे आपकी स्किन रेड हो जाए, क्योंकि ये आपकी स्किन निकाल देती है ऊपर की, तो आपकी जो स्किन है ना फ्रेश स्किन रहती है, क्योंकि पतली रहती है। तो धूप में वो आपका जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिससे कि आपका पूरा फेस रेड हो जाता है। मैं भी जब ज़्यादा देर धूप में बैठा रहता हूँ तो मेरा फेस भी रेड हो ही जाता है। तो इस बात को आप याद रखें, धूप में जाने से बचे। काम कर सकते हो बट आपको सनलाइट के पूरा फोकस में नहीं आना है। जैसे आप सनलाइट के फोकस में आओगे पर किसी गर्म जगह पर जाओगे तो आपके फेस पर नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्रीम को लड़की भी यूज़ कर सकते हैं, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, बट 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए, क्योंकि ये मेडिकल क्रीम है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है भाई लोगों। तो इसके लिए आपको सावधानी से इसका यूज़ करना चाहिए और कोई रिस्क नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना। ये क्रीम यूज़ करके मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने दिन तक यूज़ की और आपके फेस पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। मैं खुद यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए, भी वीडियो आपको अच्छा लगा उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस, सी यू अगेन।